Hey guys, welcome back to first episode of Bas Yun Hi by Shweta Singh. कल मैंने शुरुआत की थी इस सफर की, तो चलिए आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। साथ चलने के लिए एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे मैं एक रिटेल प्रोफेशनल हूँ, और ये ख्याल और ये जो सपना आज शुरू हो रहा है, इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी। मुझे बचपन से ही गाने का, रेडियो का काफ़ी शौक़ था। जब हम घर में रेडियो सुनते थे तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था। बाय नेचर मैं बहुत शाय और डरपोक होती थी। जब मैं क्लास 12th में पढ़ाई कर रही थी, एक मोड़ ऐसा आया जहाँ पे सारी शाइनेस, सारी घबराहट, सब कुछ छोड़ना पड़ा। मेरे फादर हम सबको छोड़ के बहुत दूर चले गए, और वो सारी जिम्मेदारियाँ अचानक से मेरी हिम्मत बन गई। मेरी मॉम एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन के मेरे साथ खड़ी हुई। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, हर सिचुएशन का सामना कर सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, हंस सकती हूँ, मुस्कुरा सकती हूँ। तो इस सफ़र में आगे चलते चलते हालांकि काफ़ी चीज़ें छूट गईं, काफ़ी साल बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी लर्निंग्स आई, तो इन सब को पार करते हुए आज दिल से एक आवाज़ आई कि हाँ, शायद अब अपने दिल की आवाज़ सुनने का टाइम आ गया है। मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी टू माय गुरु, जिन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, इस सफ़र में हम बात करेंगे कुछ डेली होने वाले ऐसे इंटरैक्शंस, ऐसे पर्सपेक्टिव्स जो हमें मिलते हैं। क्योंकि जैसा मैंने अपनी जर्नी को देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे बढ़ते हुए चलते चलते बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे अंदर होता है, बट कहीं ना कहीं छूट जाता है। ज़रूरत है उन पन्नों को वापस पलट कर देखने की, ज़रूरत है एक क्विक फ्लैशबैक की, ज़रूरत है अपने आप को खुद से मिलाने की। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है जहाँ पे मैं अपने दिल के जज्बात, अपनी बहुत सारी बातें जो मैं हमेशा से कहना चाहती थी, करना चाहती थी, आप लोगों के साथ साझा करूँगी। उम्मीद करूँगी कि कहीं ना कहीं मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। सो फॉर अ स्टार्ट, एक थॉट मेरे माइंड में जो काफ़ी दिन पहले आया मेरे करियर के सफ़र में, एक लड़की जिसको मैं काफ़ी साल से जानती हूँ, जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, अपने काम को बहुत पैशनेटली फॉलो करती थी, जगह बदली, काम करने की जगह बदली, बट फॉर्चुनेटली दैट गर्ल इज स्टिल विद मी। अक्सर मैंने उसे मुस्कुराते हुए ही देखा था, तो कुछ दिनों से मुझे लगा कि वो चेहरे की मुस्कुराहट शायद वैसी नहीं है जैसी वो हमेशा होती थी। उसने अक्सर मुझे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट वन फाइन डे आई रियलाइज्ड
आई डोंट नो वाई आई फेल्ट कि शायद ऐसा नहीं। तो मैंने एक बार उसके पास जाके पूछा, हे आर यू ओके, सब ठीक है ना? उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर खामोशी इस तरह दौड़ गई जैसे शाम के समय समुंदर अपनी सारी लहरों को समेट लेता है। उसने थोड़ा झिझकते हुए मुझे कहा कि शायद सब ठीक नहीं है, पर मुझे पता नहीं कि मैं क्यों परेशान हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा कि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, या तो हमारी माँ या फिर हम, बस ये दो ही लोग हैं जो हमें समझ सकते हैं। तो हमें हमेशा पता होता है कि हम क्यों परेशान हैं या हम किसकी वजह से खुश हैं। बस हमें डर लगता है उस दरवाजे को खोलने से, उसका सामना करने से, कि उसको खोलने के बाद जो आंधी जो धूल हमारे चेहरे की मुस्कुराहट छीन रही है, शायद हमें खो न दे। तो ऐसे में चाहिए कि आप किसी का हाथ पकड़िए और चलिए खोल के देखते हैं इस दरवाजे के पीछे क्या है। मैंने उसे हिम्मत दिलाई और कहा कि अगर उसे लगता है, उसे भरोसा है, तो वो अपनी दिल की बात मुझसे कह सकती है। मैं नहीं जानती कि मैं कितना मदद कर पाऊंगी, बट हाँ ये कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। ये सफर शुरू हुआ और आज धीरे धीरे ही सही मैंने उस लड़की के चेहरे पर वो स्माइल वापस देखनी शुरू कर दी। वो हिम्मत लौट के दिखाई दे रही है। खुशी हुई मुझे कि उसने मुझ पे भरोसा किया अपने दिल की बात कहने के लिए। सुकून मिला कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आज भी हम इतनी हिम्मत या काबिलियत या सेंसिटिविटी रखते हैं कि हम किसी के चेहरे पर एक स्माइल ले आए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड से मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो वैसा नहीं है जो अक्सर जैसा वो दिखाई देता था, तो प्लीज़ लैंड योर हैंड, एक बार जाके पूछिए इज एवरीथिंग ओके। शायद वो इसी मोमेंट के इंतज़ार में हो कि कोई एक बार पूछ ले और आप उसके लिए एक हिम्मत बन जाए। तो लेट्स जस्ट ब्रिंग अ स्माइल टू समबडीज फेस। ट्रस्ट मी, काइंडनेस एंड स्माइल इज कंटेजियस, सुपर कंटेजियस, एंड वी ऑल कैन डू दैट। वी एज ह्यूमन आर मैजिकल। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस विद अ वंडरफुल स्माइल। आई विल सी यू टुमारो वंस अगेन विद अनदर लेयर, एक और पेज इस कहानी का खोलने के लिए। अभी तो बस शुरुआत है। आपका हाथ पकड़कर ये सफर आगे कैसे और कहाँ पहुँचता है, ये देखने के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। आई विल बी बैक वंस अगेन टुमारो। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय योर सेल्फ, गुड नाइट।